एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय सेवन। हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है सेवन से डिवाइड होने वाले टू डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि टू डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। टू डिजिट के नंबर की शुरुआत 10 से होती है और इसका जो लास्ट होता है वो 99 पर होता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टू डिजिट के नंबर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सेवन से कटने वाला सबसे पहला टू डिजिट का कौन सा नंबर है। तो अगर हम बात करते हैं 14 की, तो सबसे पहला जो नंबर है, पहले नंबर को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जो सेवन से कटेगा वो 14 होता है, जो टू डिजिट का होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट का नंबर, सबसे लास्ट के नंबर को हम लिखेंगे एन। सबसे लास्ट का नंबर जो सेवन से कटता है 10 और 99 के बीच में, वो कितना होता है, 98 होता है, ठीक है। डिवाइड करके हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर हम डी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस चलेगा वो सेवन 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 का चलेगा, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेवन। अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू निकालने के लिए, जो एन हमें गिवन है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 98 गिवन है। तो यहाँ पर एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 98। ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 14, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू में 98। 14 को इधर लेकर के आएंगे, एन माइनस वन इंटू में 7 इज इक्वल टू 98 और माइनस 14, तो ये एन माइनस वन इंटू में 7 ऐसे ही आ जाएगा। 98 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा, और जब n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो 74 के अपॉन में ये 7 आ जाएगा। 7 से इसको काटेंगे हम, 7 1 7, 7 2 14 आ जाएंगे, तो ये n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब n की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो 13 आई है, तो इससे ये पता चलता है कि 7 से डिवाइड होने वाले दो डिजिट के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 13 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।